स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज आप लोगों के लिए क्लास टेंथ का सोशल साइंस का एक ऑब्जेक्टिव सेट लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो लोग 2022 में टेंथ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके साथ ही इस चैनल पे आपको क्लास टेंथ के सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है, तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को हम वित्तीय वर्ष कहते हैं, जबकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर को हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दो है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम क्या कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर ज़्यादा मात्रा में जल ही पाया जाता है, तो जल ज़्यादा मात्रा में होने के कारण पृथ्वी हमें नीला की तरह दिखाई देता है, तो इसीलिए हम इसे नीला ग्रह कह सकते हैं, जिसका आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, जिसका आंसर होगा बी, 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम इसलिए लाया गया ताकि भ्रष्टाचार से थोड़ी सी राहत मिले, इसीलिए इसको 12 अक्टूबर 2005 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर चार, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, जिसका आंसर होगा लोकतंत्र। नेपाल में इससे पहले राजतंत्र थी। अगर बात करें नेपाल की संविधान की, तो नेपाल का नया संविधान 2015 में लागू हुआ है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वतंत्रता का अधिकार। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7, टीपू सुल्तान शासक थे, इसका मतलब टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो जिसका आंसर होगा मैसूर, मैसूर जो कि वर्तमान में कर्नाटक के बेंगलोर के पास स्थित है। टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8, जालियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जिसका आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जालियावाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जिसमें अंग्रेज के एक अधिकारी जनरल डायर ने निर्मम तरीके से वहां पे उपस्थित सभी पे गोलियां चला दी थी, जिसमें सरकारी आंकड़े के अनुसार 400 लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि 2000 लोग घायल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है, जिसका आंसर होगा कोसी नदी को। कोसी नदी को इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये अपना रास्ता बहुत ज़्यादा बदलती है। कोसी नदी का कोई अपना रूट नहीं होता है, ये एक बार इस ओर आती है तो दूसरी बार किसी और से होकर जाती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना। श्री गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1966 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम गुरु तेग बहादुर थे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्य वर्मन द्वितीय। अगर अंकोर वाट के मंदिर की बात करें तो यह कंबोडिया में स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, और यह विष्णु भगवान का मंदिर है। इसके दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानी लिखी गई है। यहाँ दुनिया भर से लोग श्रद्धालु जाते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में किया गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। 2014 में
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे भंग कर दिया गया और इसके जगह 2015 में नीति आयोग को लाया गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? जिसका आंसर होगा बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी, तो ऑप्शन डी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, अर्थात बीजेपी की स्थापना कब हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1980। 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 8 मार्च को। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी जादूगोड़ा। जादूगोड़ा झारखंड का एक गांव है जहां यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। सुनामी कहां आती है? तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्र में। समुद्र में सुनामी इसलिए आती है क्योंकि समुद्र में भूकंप आता है और समुद्र के भूकंप से ही समुद्र में सुनामी आती है। क्वेश्चन नंबर 19। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन भी इसे ही कहा जाता है, तो क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो जिसका आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए पानी की कीमत में वृद्धि होना। बोलीविया में पानी की कीमत 4 गुना बढ़ गई थी, इसीलिए वहाँ की जनता रास्ते पे उतरकर आंदोलन करने लगी। आगे क्वेश्चन नंबर 22। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी मोर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23। संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी पटना, जो कि चिड़ियाघर के रूप में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मनी में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? जिसका आंसर होगा धर्म पर आधारित होती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन देख लेते, सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट। जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी सीमेंट। सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं होता है, जबकि ये तीनों सूती वस्त्र, चीनी, जूट वस्त्र, ये सब कृषि पर आधारित है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28। वॉर एंड पीस की रचना किसने की थी? जिसका आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी 1869 में इन्होंने की थी, और लियो टॉल्स्टॉय रूस के एक प्रसिद्ध लेखक थे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद यूनुस। अगला क्वेश्चन नंबर 30। चावल है, इसका मतलब चावल किस तरह का फसल है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए खरीफ फसल। खरीफ फसल के बारे में जानते हैं तो यह फसल जून जुलाई के महीने में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के महीने में इसकी कटाई की जाती है। जैसे मैं आप एग्जांपल में रख सकते हैं धान, मक्का, ज्वार इत्यादि। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए नियंत्रित अर्थव्यवस्था।
भारत में 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लाई गई थी जो वैश्वीकरण, उदारीकरण इत्यादि पर आधारित थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मानव कृत संसाधन है सौर ऊर्जा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1995, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 34, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1907 ईस्वी में। अगर बात करें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की तो इसकी स्थापना जमशेदपुर में किया गया जो 25 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके संस्थापक जमशेद जी टाटा थे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए जिम्मरमैन ने 1933 में यह बात कही हुई थी कि संसाधन होते नहीं ये बनते हैं। पर्यावरण में बहुत ऐसे चीज़ है जिसे हम यूज नहीं कर पाते, जिसे यूज करते वो हमारे लिए संसाधन है, जिसे यूज नहीं करते वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी व्यावसायिक बैंक। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1952 ईस्वी में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दांडी यात्रा में नमक कानून को तोड़कर इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग कृषि को रखते हैं, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है, इसका होगा आंसर बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए सार्वजनिक टेलीफोन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1989 ईस्वी। इसके अंतर्गत ग्रामीण लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 43, काली मिट्टी उपयुक्त है, इसका मतलब काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए कपास के लिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44, दाल किस पौष्टिक अंश का एक स्रोत है? तो दाल में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटीन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2005 में, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 19। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका मतलब बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन बी कमल का फूल। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48, मानव पूंजी के मुख्य घटक है, इसका मतलब मानव के अंदर में क्या क्या अच्छे अच्छे कौशल होने चाहिए? जिसका आंसर होगा डी इनमें से सभी, ज्ञान भी होना चाहिए, कौशल भी होना चाहिए और अनुभव भी होना चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए जर्मनी। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी हम्फ्री डेवी ने 1816 ईस्वी में ब्रिटेन में सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। तो ये था आपका सोशल साइंस का एक कंप्लीट एक सेट। अगर इसी तरह का आप अगर सेट लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहें।
और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।